वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, विधायकों को कोरोना टेस्ट करवाना होगा, ये उनके लिए अनिवार्य है। विधायकों और सुरक्षा कर्मियों को करवानी होगी जांच, बिना कोविड जांच के नहीं मिलेगी अनुमति, सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। मीडिया कर्मियों को तिलक हॉल में ही रहने के निर्देश हैं, विधानसभा के गेट पर होगी थर्मल स्कैनिंग। तो विधानसभा में जाने की अनुमति विधायकों को तब तक नहीं मिलेगी, सत्र में शामिल होने की अनुमति तब तक नहीं मिलेगी जब तक उन्होंने कोविड टेस्ट नहीं कराया होगा। तो विधायकों को कोविड टेस्ट कराना है, ये अनिवार्य किया गया है, और नियम अनुसार जब सभी विधायक कोविड टेस्ट करा लेंगे तभी सत्र में शामिल हो पाएंगे। वहीं मीडिया कर्मियों को तिलक हॉल में रहने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा गेट पर थर्मल स्कैनिंग भी होगी, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी तरीके से कोरोना से कोई भी संक्रमित ना हो और पूरा सत्र बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बाधा के संपन्न किया जा सके। जय त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जय, विधानसभा सत्र के लिए अब तैयारियां तेज हो रही हैं और इसी को लेकर कोविड टेस्ट भी अनिवार्य कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी देंगे? जी ना जी, बिल्कुल, विधानसभा सत्र बिल्कुल प्रारंभ होने जा रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार कोरोना काल कोरोना महामारी को देखते हुए कि अब तो कहीं ना कहीं लेकिन थम गया है, उसके बावजूद भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, कोरोना संक्रमण फैलने ना पाए या किसी तरीके की कोई भी ऐसी बाधा ना आए कि सत्र में जिसके लिए बड़ी आने वाले समय परेशानियां झेलें, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको बता दें, जो कोविड जांच के बिना किसी को भी सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं की गई है, और सत्र में वही लोग शामिल होंगे जिन लोगों की कोविड की जांच हो चुकी होगी। साथ ही साथ जो विधायक हैं और सुरक्षा कर्मी हैं, उनको भी जो पूरी तरह से कोविड की जांच करानी होगी, उस जांच की जो भी उनकी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर ही उनको अंदर आने की अनुमति मिलेगी। साथ ही साथ बता दें, जो मीडिया कर्मचारी हैं, मीडिया कर्मियों के लिए भी इस बार सबसे खास बात ये रखी गई है कि उनको थोड़ा दूर रखा गया है और तिलक हॉल में ही रहने का निर्देश दिया गया है। तो अब विधानसभा के गेट के अंदर जैसे ही प्रारंभ करेंगे वैसे ही थर्मल जांच होगी, साथ ही साथ पूरी कोविड लाइन जितनी भी कोविड गाइडलाइंस है उनका पालन होगा, सारी पालन करते हुए ही इन सत्रों को चलाया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार अभी कोरोना काल से लोग जूझते हुए नजर आ रहे थे, तो अब ऐसी कोई भी त्रुटि ना होने पाए, कोई ऐसा काम ना होने पाए, ऐसा कोई भी कार्य ना हो जिसकी वजह से दोबारा कोई बड़ी हानि हो और या परेशानी झेलनी पड़े, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सभी लोगों को कोविड जांच कराने के बाद ही सत्र में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। जी हिना जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।